नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज से हम UPPCS RO ARO 2024 की जो परीक्षा होने वाली है 22 दिसंबर की, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज के माध्यम से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न उत्तर होंगे, जो अति संभावित प्रश्न होंगे, उनको हम आज से डिस्कस किया करेंगे। तो यह सीरीज आगामी आपकी जो RO ARO की परीक्षा होने वाली है 22 दिसंबर की, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह हमारा पहला वीडियो है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन 1924 के कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं था, आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1924 का जो कानपुर का षड्यंत्र था, इसको हम कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि जो कानपुर षड्यंत्र था 1924 का, इसको हम कानपुर बोल्शेविक, इस प्रकार से लिखा है बोल्शेविक, तो इसको हम कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के नाम से भी जानते हैं, जो आपका 1924 में हुआ था। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन इस षड्यंत्र में शामिल नहीं था, तो दिए गए ऑप्शन में से जो बरिंद्र घोष हैं, ऑप्शन डी, ये इस षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। बाकी मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी जो है इस षड्यंत्र से संबंधित थे। इसके अलावा अन्य लोग भी थे जो इस षड्यंत्र से जुड़े हुए थे। तो आप याद कर लीजिएगा, एम एन रॉय जो और ये भी जो है इस षड्यंत्र से जुड़े हुए थे। इसके अलावा एस ए डांगे का संबंध भी जो है इस कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र से था। इसके अलावा सिंगार वेलू चटियाल थे, गुलाम हुसैन थे, तो ये सभी नाम आप याद रखिएगा जिनका संबंध था 1924 के कानपुर षड्यंत्र या कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र से। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, उसके बाद आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला कथन क्या दिया गया है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम्स जोन्स ने किया, ये पहला कथन है। दूसरा कथन क्या है, चार्ल्स वुड ने भारत में शिक्षा के लिए अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, जिसको हम डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, इसका प्रतिपादन किया। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर का आपको चयन करना है कि इसमें से कौन सा सही दिया गया है, केवल एक, केवल दो, केवल एक या दो, या न तो एक न तो दो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से जो केवल एक यानी कि पहला जो कथन है यह सही दिया गया है, बाकी दूसरा वाला कथन आपका गलत है। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पे चार्ल्स वुड की जगह क्या हो जाएगा, मैकॉले के द्वारा जो है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यानी कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का जो है प्रतिपादन किया गया था। तो यहाँ पे सेकेंड वाले में आपका मैकॉले सही हो जाएगा। बाकी जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, इसकी स्थापना जो है सर विलियम्स जोन्स के द्वारा 1784 में की गई थी। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, 1784 में जो है सर विलियम्स जोन्स के द्वारा जो है इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक जो है यहाँ पे आपका सही था, पहला वाला ऑप्शन आपका सही था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे आपको बताना है, दो कथन आपके सामने दिए गए, इसमें से आपको सही कथन का पहचान करनी है कि इसमें से कौन सा कथन सही दिया गया है। तो आइए दोनों कथनों को बारी बारी से पढ़ लेते हैं। तो पहला कथन क्या दिया गया है, झेलम नदी जो है कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित वेरिनाग झरने से निकलती, ये पहला कथन है। दूसरा कथन क्या दिया गया है, और रावी नदी जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इन दो कथनों में से कौन सा कथन सही है, उसकी आपको पहचान करनी है। तो इसमें से जो पहला कथन आपका दिया गया है, और झेलम नदी जो है वेरिनाग झरने से निकलती है, पहला कथन आपका बिल्कुल सही है और दूसरा वाला आपका गलत दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक आपका सही हो जाएगा।
तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे रावी की जगह जो चिनाब नदी है, चिनाब आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, चिनाब रिवर जो है, चिनाब नदी जो है, ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये इम्पॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, चिनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। वहीं जो झेलम नदी है यह वेरिनाग झरने से निकलती है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है, तथा यह जो झेलम नदी है यह वोलर झील से होकर बहती, किससे, तो वोलर झील से होकर जो है झेलम नदी बहती है, तथा पाकिस्तान में जाकर चेनाब में जो है ये झेलम नदी मिल जाती थी, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चढ़ते हैं हम, तो अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक तरफ कुछ पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं और उसके सामने उनके लेखकों के नाम दिए गए हैं, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। तो मूक नायक के लेखक कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर, पहला कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा क्या है, कॉमनवेल्थ किसके द्वारा लिखा गया है, सरोजिनी नायडू के द्वारा, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, कॉमनवेल्थ जो है किसका समाचार पत्र था, तो कॉमनवेल्थ जो है यह जो पत्रिका थी, यहाँ पे समाचार पत्र नहीं पत्रिका होगा, तो कॉमनवेल्थ जो पत्रिका थी यह एनी बेसेंट की पत्रिका थी, जिसको आप याद कर लीजिएगा, एनी बेसेंट की पत्रिका का क्या नाम था, कॉमनवेल्थ, तो यहाँ पे सेकेंड वाला आपका गलत दिया गया था। वहीं समाचार दर्पण का संबंध हो जाएगा जेसी मार्शमैन से, इसके अलावा बॉम्बे क्रॉनिकल का संबंध हो जाएगा फिरोज शाह मेहता से, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। बाकी आपका जो सेकेंड वाला था यह सुमेलित नहीं था, तो कॉमनवेल्थ का संबंध किससे हो जाएगा, कॉमनवेल्थ समाचार पत्र जो था ये एनी पेशेंट से रिलेटेड था। इसके अलावा एनी पेशेंट का एक और जो समाचार पत्र है और लगातार एग्जाम में पूछा जाता है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उसका क्या नाम है, यंग इंडिया, तो न्यू इंडिया, न्यू इंडिया आप नोट डाउन कर लीजिएगा, न्यू इंडिया यह जो पत्रिका है, न्यू इंडिया यह भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ये किसकी पत्रिका थी, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया पत्रिका थी एनी बेसेंट की, इसके अलावा कॉमनवेल्थ पत्रिका भी जो है एनी बेसेंट की थी। अभी जो मैंने नाम लिया था यंग इंडिया का, तो यंग इंडिया जो है किसकी पत्रिका थी, तो आप याद कर लीजिएगा, यंग इंडिया का संबंध किससे हो जाएगा, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा जो है यंग इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था, तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट क्या है, और यहाँ पे आपको सही काल क्रम में जो है व्यवस्थित करना है, तो आइए देख लेते हैं। पहला क्या दिया गया है, बंग भाषा प्रकाशिका सभा, दूसरा दिया गया है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तीसरा दिया गया है पूना सार्वजनिक सभा, चौथा क्या दिया गया है, मद्रास महाजन सभा, तो आइए देख लेते हैं। तो आपका पहला क्या हो जाएगा, बंग भाषा प्रकाशिका सभा की जो स्थापना थी यह कब की गई थी, 1836 में, आप नोट डाउन करते चलिएगा। इसके बाद ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1839 में। इसके बाद पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी 1870 में। और इसके बाद मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना थी यह 1884 में की गई थी। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले स्थापित हुआ था आपका बंग भाषा प्रकाशिका सभा, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यहाँ पे एक लाइन से ये दिया गया है, तो पहला है वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आप याद कर लीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डेट आपसे 100% RO AR O की परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्रोनोलॉजी के प्रश्न आपसे एग्जाम में लगभग 5 से 6 या ज़्यादा भी हो सकते हैं जो आपके RO AR O की परीक्षा में पूछे जाएँ, तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो इवेंट्स हैं उनकी डेट हैं उनको रटना पड़ेगा। तो इस तरह के प्रश्न आगे मैं आपको लाता रहूँगा, तथा जो इम्पोर्टेंट घटनाएँ हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड हैं उसकी जो है अलग से मैं सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, जिसके माध्यम से जो है जो इम्पोर्टेंट आधुनिक भारत के इतिहास की डेट्स हैं वे आपको कंथस्ट हो जाएँ, याद हो जाएँ, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 1857 की क्रांति के बारे में यहाँ पे कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको विचार करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपके सामने जो सभी कथन दिए गए हैं सभी कथन आपके सही हो जाएंगे। पहला कथन क्या है, विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर सर जॉन बेनेट हैरिसे थे, पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या हो जाएगा,
1857 के आंदोलन के सरकारी इतिहासकार एस एन सेन थे, यह कथन भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा कथन क्या है, वी डी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया था, यह भी कथन आपका बिल्कुल सही है। चौथा कथन क्या है, विद्रोह के दमन के बाद सेना के पुनर्गठन के लिए जो है पील आयोग का गठन किया गया था, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, यानी कि 1857 का जब विद्रोह दबा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो अंग्रेजों के द्वारा 1857 की क्रांति के समाप्ति के बाद जो सेना थी उसका पुनर्गठन करने के लिए जो है पील आयोग का गठन किया गया था। तो 1857 की क्रांति के बारे में जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं सभी यहाँ पे सही दिए गए हैं, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग जो है रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, औरक्त तरंग, यहाँ पे इंफ्रारेड इनको बोलते हैं, इंग्लिश में इनको बोलते हैं हम इंफ्रारेड रेज। तो जो औरक्त तरंगे होती हैं इनका जो उपयोग है रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा यह जो औरक्त तरंगे होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार होती हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तथा औरक्त तरंगों का जो इस्तेमाल है यह लक्ष्य को ढूंढने में और निरीक्षण करने में रात्रि दृष्टि के समय जो है इनका उपयोग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक तरफ आपको दिया क्या गया है, आविष्कार एक तरफ आपको दिया गया है और एक तरफ उनके आविष्कारक दिए गए हैं, तो इसमें से आपको देखना है कि कौन सा इसमें से गलत दिया गया है, तो आइए देख लेते हैं। तो रेडियम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो रेडियम का जो आविष्कार है यह किया गया था मैडम क्यूरी के द्वारा, तो पहला आपका बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा क्या है, पेनिसिलिन का जो आविष्कार है यह किसके द्वारा किया गया था, तो पेनिसिलिन का जो आविष्कार है यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया, दूसरा बिल्कुल सही दिया गया है। एक्सरे का जो आविष्कार है यह आइजक न्यूटन के द्वारा किया गया था, जो कि बिल्कुल ही गलत दिया गया है, आइजक न्यूटन ने जो है इसका आविष्कार नहीं किया था, बल्कि एक्सरे का जो आविष्कार है यह किसके द्वारा किया गया था, डब्ल्यू के रो एंड जेन के द्वारा, आप याद कर लीजिएगा डब्ल्यू के रो एंड जेन, इन्हीं के द्वारा जो है एक्सरे का आविष्कार किया गया था, तो यहाँ पे सी वाला आपका सुमेलित नहीं था। वहीं चेचक के टीके का जो आविष्कार है यह एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी यहाँ पे गलत दिया गया था। एक्सरे का जो आविष्कार है यह किया गया था डब्ल्यू के रो एंड जेन के द्वारा। आपको मैं डेट भी बता देता हूँ इन आविष्कारों की, अगर आपसे डेट पूछ ली जाए तो आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो रेडियम का आविष्कार कब किया गया था, रेडियम का आविष्कार किया गया था 1898 में, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, रेडियम का आविष्कार 1898 में किया गया था। पेनिसिलिन का आविष्कार 1928 में किया गया था। एक्सरे का आविष्कार 1895 में किया गया था। वहीं चेचक के टीके का आविष्कार जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा 1796 में किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे रॉलेक्ट एक्ट के बारे में जो है अभिगतन और कारण दिया गया है, तो इसमें आपको सही आंसर की पहचान करनी है। तो अभिगतन क्या दिया गया आपका, रॉलेक्ट एक्ट को बिना वकील बिना अपील बिना दलील का कानून कहा गया, इसका कारण क्या दिया गया है, रॉलेक्ट एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार किसी को जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी, तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों ही आपके सही दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आपको पता होगा कि जो रॉलेक्ट एक्ट कानून लाया गया था यह कब लाया गया था, मार्च 1919 में, डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डेट आप याद कर लीजिएगा, मार्च 1919 में जो है रॉलेक्ट एक्ट कानून लाया गया था, इसको जो है बिना वकील का बिना अपील का तथा बिना दलील का कानून कहा गया था उस समय, इसके तहत जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ब्रिटिश सरकार थी किसी को भी मनमाने तरीके से और जो है कैद कर सकती थी, उस पर मुकदमा चला सकती थी और जेल में बंद रख सकती थी, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, मार्च 1919 में यह लाया गया था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और एक तरफ जो है
धातु दिए गए हैं और उनका जो है अयस्क दिया गया है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आयरन यानी कि लोहा का अयस्क क्या हो जाएगा, हेमेटाइट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आयरन यानी कि लोहा का अयस्क हेमेटाइट होता है। कॉपर का अयस्क जो है सिनेबार होता है, यहाँ पे गलत दिया गया है, कॉपर का जो अयस्क है यह क्यूपराइट होता है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपर का जो अयस्क है यह क्यूपराइट होता है, न कि सिनेबार होता है। तो सिनेबार किसका हो जाएगा अयस्क, तो सिनेबार जो है आपका अयस्क होता है पारा का, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, पारा का अयस्क जो है सिनेबार होता है तथा कॉपर का अयस्क हो जाएगा क्यूपराइट हो जाएगा। तो सेकेंड वाला आपका यहाँ पे सुमिलित नहीं था। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। जिंक का अयस्क क्या होता है, कैलेमाइन होता है जिंक का अयस्क, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन बी बताया था, कॉपर का अयस्क आपका क्यूपराइट हो जाएगा और पारा का अयस्क आपका सिनेबार हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सुमिलित नहीं था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो ब्राइट्स रोग है यह जो है हमारे शरीर के किडनी यानी कि गुर्दा को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन आप ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गुर्दा को। तथा यह जो ब्राइट्स रोग है इसका एक अन्य नाम और भी है, क्या है, यूरेमिया, इसके बारे में भी आप याद देखिएगा, यूरेमिया इसका अन्य नाम है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, या ब्राइट्स रोग कह लीजिए या तो आप यूरेमिया कह लीजिए, यह जो है गुर्दा यानी कि किडनी को प्रभावित करता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे दो कथन दिए गए, इनमें से आपको जो है सही कथन की पहचान करने की, सही कथन कौन कौन सा है। 19वीं शताब्दी के महान पारसी समाज सुधारक बी एम मालाबारी के प्रयासों से 1891 ईस्वी में द एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ था। दूसरा कथन क्या है, विष्णु शास्त्री ने विधवा पुनर्विवाह हेतु महाराष्ट्र में आंदोलन चलाया था। तो यहाँ पे आपके दोनों ही कथन सही दिए गए हैं। जो पारसी समाज सुधारक थे बी ए मालाबारी, इनके प्रयासों से ही जो 1891 का एज ऑफ कंसेंट था वह पारित हुआ था, तथा जो एज ऑफ कंसेंट था लैंस डाउन के समय पारित हुआ था, ये भी आप याद देखिएगा, लैंस डाउन के समय जो है यह एज ऑफ कंसेंट पारित हुआ था। इसके बाद विष्णु शास्त्री के द्वारा जो है विधवा पुनर्विवाह हेतु महाराष्ट्र में आंदोलन चलाया गया था। तो एक और दो दोनों ही कथन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है, तो आप याद रखिएगा, यौधेय सिक्कों पर जो है कार्तिकेय का जो है अंकन देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्तिकेय का। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी जो है शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था, तो आप याद देखिएगा किसका अभिलेख था, तो मौर्यों का, मौर्यों में किसका अभिलेख यह हो जाएगा, तो अशोक का। अब अशोक का जो रुमिनदेही अभिलेख है, इसी से यह बात पता चलती है कि जो है जो लुम्बिनी था यह शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौर्य, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा प्रश्न आपका, यहाँ पे एक तरफ आपके कुछ इम्पॉर्टेंट झील दी गई हैं और जो है वे किस प्रकार की झील हैं यह दिया गया है, तो इसको आपको सुमेलित करना है, तो आइए देख लेते हैं। तो पेंगोंग सो झील जो है किस प्रकार की झील है, तो यह जो है आपकी एक ग्लेशियर झील है, तो आपका पहला वाला हो जाएगा। नैनीताल झील जो है आपकी टेक्टोनिक झील है, तो इसका भी सेकेंड हो जाएगा। डिडवाना झील आपकी लवणी झील है, इसका तीसरा हो जाएगा। वेम्बनाथ झील आपकी लैंगून झील है, तो इस प्रकार से सभी आमने सामने ही आपके दिए गए हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, तो आप याद देखिएगा। आइए इनकी लोकेशन को देख लेते हैं, तो वेम्बनाथ झील आपकी केरल में हो जाएगी, डिडवाना आपके राजस्थान में हो जाएगी, नैनीताल आपकी उत्तराखंड में हो जाएगी और पैगोंग सो आपकी कहाँ पर हो जाएगी, तो लद्दाख में हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जो है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आपको देखने को मिलता है, तो जो फेमस नैमिषारण्य तीर्थ स्थान है आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के सीतापुर में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने अपने संस्मरण लिखे हैं, आपको बताना है कि दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने जो है अपना संस्मरण लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जो है अपना संस्मरण लिखा है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कोई इस संस्मरण का नाम बता सकता है कि किस नाम से जो है फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण लिखा था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई जो है पुर्तगालियों के द्वारा कब दी गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आप याद देखिएगा, इसका थोड़ा सा कहानी मैं आपको बता देता हूँ। 1661 से इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो 1661 ईस्वी में हुआ क्या था कि जो 1661 ईस्वी थी, इसके दौरान पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीन ब्रगेंजा, इनका जो विवाह था ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ था। तो इसी के उपरांत जो है पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में बम्बई को चार्ल्स द्वितीय को दे दिया था। तथा चार्ल्स द्वितीय कौन थे? ये ब्रिटिश सम्राट थे, तथा इनको जो है उपहार स्वरूप पुर्तगालियों ने बम्बई दिया था। बाद में आगे चलकर जो है 1668 ईस्वी में जो चार्ल्स द्वितीय थे, इन्होंने बम्बई को 10 पौंड के वार्षिक भुगतान के बदले जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बम्बई 1661 में मिली थी। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई जो है पुर्तगालियों के द्वारा कब दी गई थी? तो यह जो है 1661 में दी गई थी। जो पुर्तगाली थे इन्होंने चार्ल्स द्वितीय को जो है 1661 में दिया था। फिर चार्ल्स द्वितीय ने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है 1668 में जो है दे दिया था कुछ मामूली से किराए के बदले, यानी कि 10 पाउंड जो है वार्षिक भुगतान के बदले जो चार्ल्स थे इन्होंने बम्बई को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? वह कौन था जिसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीर कासिम। इसके बारे में आप याद देखिएगा, जो मीर कासिम था इसने जो है अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। तो ये फैक्ट आप याद देखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीर कासिम, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत किसने की थी? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार की जो शुरुआत है किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तारकनाथ दास के द्वारा। आप याद देखिएगा, तारकनाथ दास के द्वारा जो है अमेरिका में जो है फ्री हिंदुस्तान नामक जो है अखबार की शुरुआत की गई थी। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तारकनाथ दास, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे शैल क्रम दिए गए हैं और उनके निर्माण के अनुसार आपको बताना है कि सबसे पहले किस शैल क्रम का निर्माण हुआ था, उसके बाद किसका हुआ था, तो इसका आपको जवाब देना है। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर आपका मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका होने वाला है 1, 4, 2, 3। तो सबसे पहले निर्माण हुआ था आर्कियन क्रम की चट्टानों का। सबसे पहले जो है आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। फिर जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। उसके बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 4, 2, 3, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें से जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है सभी इम्पॉर्टेंट जो है सभी इम्पॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं ये आपके धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें, इसमें जो है किस प्रकार कोयला मिलता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जो है आपका बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तथा भारत का जो 98 लगभग मान के चलिए 98% जो कोयला ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही प्राप्त होता है। अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम जो 1976 में पारित किया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसके लेखक कौन है?
तो इस पुस्तक को लिखा गया है किसके द्वारा, एम विश्वेश्वरैया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, एम विश्वेश्वरैया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं, कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो यह लखनऊ में है, तो ऑप्शन आपका पहला सही है। भारत कला भवन भी आपका कहाँ पर है, तो वाराणसी में है, ये भी आपका सही है। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, तो यह आपको मिलेगा प्रयागराज में, यह भी बिल्कुल सही है। वहीं भातखंडे संगीत संस्थान आपका गोरखपुर में नहीं बल्कि कहाँ पर है, तो यह लखनऊ में है। कहाँ पर है, तो यह लखनऊ में है, और भातखंडे जो है इसकी स्थापना की गई थी 1926 में, तो ये डेट भी आप याद रखिएगा, भातखंडे संगीत संस्थान की जो स्थापना थी या कब की गई थी, 1926 में की गई थी। वहीं भारत कला भवन की जो स्थापना थी 1920 में की गई थी, तो ये डेट भी आप याद रखिए, भारत कला भवन की स्थापना 1920 में और भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना 1926 में की गई थी। अगला प्रश्न है, तो यह लास्ट प्रश्न था आपका, जो पहला वीडियो हमारा है अति संभावित प्रश्नों का, उसका यह लास्ट प्रश्न था। यह सीरीज आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।